नमस्कार, आप सभी का सीमास कुखाओ सीखो बसनिया में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है मूंग दाल का चीला, जो प्रोटीन से भरपूर है। उसमें पनीर के साथ साथ और भी बहुत सारे वेजीज होंगे जो हमारे लिए बहुत हेल्दी हैं, टेस्टी भी हैं, जो हम ज़्यादातर अपने पार्टीज वगैरह में खाते हैं और सबको पसंद भी बहुत आता है। तो हम अपने घर में बनाएंगे आज सेम पार्टी के स्टाइल का प्रोटीन से भरपूर चीला। चलते हैं फटाफट से। सबसे पहले लेंगे एक कप मूंग की दाल है, और इसके बाद हम इसे पदार्थ को मैंने भिगो दिया था सुबह में, इसे 3-4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया और पानी जो एक्स्ट्रा उसे बाहर निकाल दिए। अब इसे डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर में और डालेंगे 2 चम्मच ऊपर से पानी, और उसमें डालेंगे 1 टुकड़ा अदरक का, 2 हरी मिर्च डालेंगे। मिर्च ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब इसे जो है दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। तो आप इसी कंसिस्टेंसी देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि हमें कितना गाढ़ा रखना है। और अब इसे हम एक बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको दिखा कि यहाँ बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है ये, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, ताकि इतना फैल सके इजीली। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और धनिया पत्ती को बारीक बारीक कट करके इसमें हम डालेंगे। ऊपर से कोई मसाला नहीं मिलाना है अभी, और इसे मिक्स करके फ्राइड कर देंगे। हम वेजीज कट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक रेड बेल पेपर, शिमला मिर्ची, प्याज, गाजर। तो सब्जियों को मैं हाफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी तो पूरे की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं सिर्फ 3 लोगों का नाश्ता बना रही हूँ, तो मैंने दोनों वेजीज को हाफ ऑफ कर लिया है। इसे बाद में यूज़ कर लेंगे, और सभी सब्जियों को बारीक कट कर लेंगे। तब तक एक पैन गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और जीरा डालेंगे, और हरी मिर्च और अदरक को क्रश करके इसमें डाल देंगे। फिर इसके बाद हम ये सब्जियाँ काट के रखते हैं। फिर पहले हम प्याज को इसमें डालेंगे। प्याज को 1 मिनट रखने के बाद और सारे वेजीज को फिर हम इसमें मिक्स कर देंगे। यहाँ प्याज हो गया, अब हम सब्जी को डाल देते हैं इसमें। यहाँ पर ध्यान रखना है कि सब्जियों को हमें ब्राउन होने तक नहीं भूनना, हल्का सा हमें भूनना है, ताकि सब्जियाँ जो है क्रंची से हो। अब इसके ऊपर हम डालेंगे 1 बाउल फ्रोजन मटर, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे मिक्स करने के बाद हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। बस हमें और कोई मसाले यूज़ नहीं करने, और इसके बाद यहाँ से हम इसे 1-2 मिनट के लिए बस भूनेंगे। और जब इसे थोड़ा सा कलर चेंज हो गया ना, तब यहाँ पर हम डालेंगे ग्रेट किए हुए पनीर। ये पनीर अंदाज 100 ग्राम था, और इसे मैं ग्रेट कर लिया था। तो बस इसे पनीर डालने के बाद ये तैयार हो गया है। और इसे हम इसे बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। उसे पैन को धोते पे से 1 चम्मच हमने डाला ऑयल, और इसके बाद जब पैन गर्म हो जाए तो किसी टिश्यूज़ की हेल्प से या रुमाल की हेल्प से उसे साफ कर देंगे। और बटर को 1 चम्मच लेंगे, और जैसे हम डोसा का फैलाते हैं ना, उसी तरह से हम फैलाएंगे। सिर्फ हमें डोसा कितना पतला नहीं बनाना है यहाँ पे, तो चारों तरफ हमने फैला दिया है। अब उसके बाद जो है इसे थोड़ा सा पकने देना है, और डालेंगे 1 चम्मच यहाँ पे ऑयल। और जब हमें लगेगा कि साइड से ब्राउन सा हो रहा है ना, तब इसको हम पलट देंगे। पहले चीला में क्या होता है, हमें दोनों साइड से पकाना है। तो फर्स्ट ये वाला है, धीरे से आराम से करते हुए हम इसे पलट देंगे, और पलटने के बाद दूसरी साइड भी हल्का सा सेकेंगे। और अगेन फिर से पलट करके यहाँ पे जो वेजीज हैं उसे हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे हम कम से कम 3-4 चम्मच जो कम से कम डाल देते हैं वेजीज को। स्टफिंग अच्छी सी की भी होगी तो टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे हमने 3-4 चम्मच में निकाल करके इसे अच्छे से मिला दिया है। अब इसे जो है दोनों साइड से इसे फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए आराम से यूज करते हुए इसे फोल्ड कर देंगे। आप यहाँ पे फोल्ड किया हुआ जो पार्ट है, इसके टेक्सचर को आप देख के अंदाज लगा सकते हैं हमारा नाश्ता कितना ज़्यादा क्रंची बना हुआ है। तो देखिए हमारे ताजे करारे जो है मूंग दाल के चीला बन के तैयार हो गया। बस इसे प्लेटिंग करते हैं इसे मीठी चटनी और हरी चटनी के साथ में। तो देखा आपने कितना आसान बनाना, पूरे परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। आपको ये कैसा लगा चीला, ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।